हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप थिंग्स फाइन। वेलकम टू डॉक्टर वंस अगेन। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। फ़ोन कोई भी हो, चाहे आपके पास एप्पल का फ़ोन हो, चाहे आपके पास आईफोन एंड्रॉयड का कोई फ़ोन हो, सैमसंग M30 हो, एवरेज फ़ोन हो, जो मर्जी फ़ोन हो, वो फ़ोन कभी ना कभी आपका हैंग ज़रूर होता है। आप क्या कारण है उसके पीछे और आप कैसे वो अवॉइड कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो उस सब को जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें आज मैं इसी के बारे में टॉपिक में आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ जो कि मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, और अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली यू विल आल्सो प्रिवेंट योर फोन अवॉइड प्रॉब्लम। ओके, जो फ्रीज हो जाती है स्क्रीन उसको कहा जाता है हैंग। तो अगर इनमें से कुछ चीज़ें आपको पता भी है तो कोई बात नहीं, बट आई थिंक आई बेट यू कुछ चीज़ें ऐसी हैं इसमें जो आपको नहीं पता होंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से प्लीज सब्सक्राइब कर दें, दिस इज ड्रोन डॉक्टर। इस पे हम लेके आते हैं ड्रोन से इन्फॉर्मेशन एंड टेक विच आई यूज। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले एक चीज आपको बताते हैं जो बहुत ही कॉमन है और बहुत बड़ी गलती मानी गई है, तो वो है आपका बेसिकली वॉलपेपर। यूजली कई लोग क्या करते हैं, इसमें वॉलपेपर लगाते हैं फोन के अंदर, लाइव वाला जो बात कर रहा हूँ, जो लाइव वॉलपेपर आता है। तो फ्रेंड, उससे क्या होता है बेसिकली, मैं पहले उसको बताने से एक्सप्लेन करने से पहले आपको बताता हूँ फोन हैंग क्यों होता है। फोन हैंग होता है जब आपकी रैम जो है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है हर एक फोन की। तो जैसे आप कहते हैं कि 2 GB रैम है मेरी, 4 GB रैम है मेरी, 6 GB रैम है, तो वो क्या है, वो आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी है। तो वो जो मेमोरी है वो आपकी, ये आप रूल बना लें कि अगर आपको फोन की परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए विदाउट एनी हैंग, तो ऑलमोस्ट एटलीस्ट 50% वो फ्री रहे, मतलब आप उसको आपने कंज्यूम नहीं करना। वो आप कैसे करेंगे, हर एक फ़ोन में सेटिंग में जाके आप अपना रैम कितनी यूज़ हुई है या कितनी फ्री पड़ी है वो आप चेक कर सकते हैं। तो वो आपने ये चेक करते रहना है रेगुलरली, ठीक है। अगर आप चेक नहीं करेंगे तो आपका फ़ोन डेफिनेटली हैंग होगा। तो ये अगर आप चेक करते रहेंगे रेगुलरली तो डेफिनेटली आपका फ़ोन हैंग होने से बचेगा। तो ये आपने चेक करना है। तो ये कंज्यूम कैसे होती है, कंज्यूम का सबसे बड़ा कारण है कि काफ़ी लोगों को शौक होता है लाइव वॉलपेपर रखने का या बैकग्राउंड यहाँ पर फ़ोन स्क्रीन पर रखने का। कभी भी ये गलती मत कीजिएगा, अगर आप लाइव बैकग्राउंड रखते हैं उसमें आपकी रैम बिना बात के, कोई आपको एडवांटेज नहीं है उसकी, बिना उस किसी एडवांटेज के वो खर्च हो रही है, बेफजूल खर्च हो रही है। तो प्लीज़ ये अवॉइड करें, कभी भी आप अपनी जो रैम है वॉलपेपर कभी मत लगाएं। ये टिप नंबर 1 है, बहुत कॉमन है, काफ़ी लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम है, बट स्टिल दे डोंट, मतलब बस शौक में रख लेते हैं, तो वो अवॉइड करें पहला बार। नंबर 2, कभी भी जो बैकग्राउंड में रनिंग एप्स होती हैं, जैसे हमारे पास फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इसमें एक ऑप्शन आती है सेटिंग में जाके बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश, वो हमेशा ऑफ रखें। और मैं कहूँगा मोस्ट ऑफ द ऐप्स जितने भी आपने फ़ोन में डाउनलोड कर रखी हैं उसका ये सिस्टम जो है ऑफ कर दें। उनमें से कई ऐप्स आपकी लोकेशन के लिए ढूंढ रही होती हैं, तो उसमें भी आपका रैम यूज़ होता है, कई अपडेट होती रहती हैं, क्योंकि फेसबुक और ये सोशल मीडिया ऐप्स पे कोई ना कोई हर सेकंड में फ़ोटो अपलोड कर रहा है, कोई आप पे कमेंट मार रहा है, आपकी फ़ोटो को लाइक कर रहा है, तो और ये सब चीज़ें होने से क्या होता है, आपका ऐप रिफ़्रेश अगर आपने ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में कर रखा है, तब अगर आपका फ़ोन अगर स्लीप में पड़ा हुआ है ना साइड में, आप सोच रहे हैं कुछ नहीं यूज़ हो रहा, पर वो चीज़ आपकी रैम यूज़ कर रही है, क्योंकि वो ऐप्स अपडेट हो रही हैं, रिफ़्रेश हो रही हैं। तो वो कृपया अभी जाकर उसको ऑफ कर दें सेटिंग में, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप फेसबुक पे जाएंगे, एक क्लिक करें, आपको रिफ़्रेश करें, वो जैसे ही आप लॉग इन करेंगे वो रिफ़्रेश करके आपको सारी चीज़ें बता देगा। तो व्हाट इज़ द यूज़ टू अगेन, वही चीज़ आप दोबारा उसको, मतलब ऑटोमेटिकली आप सोए हुए हैं तब भी वो रिफ़्रेश हो जा रहा है, सो देर इज़ नो यूज़ एट ऑल। तो वो प्लीज़ आप अवॉइड करें, उसका कोई यूज़ नहीं है, कोई एडवांटेज नहीं है, ठीक है। ये मेरी दूसरी टिप थी। तीसरी टिप है कि जो ऐप्स, कोई गेम्स आपने डाउनलोड कर रखी हैं तो आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया। तो ऐसे मॉडर्न फोन हैं, हाई एंड फोन जैसे आईफोन हो गया या फ्लैगशिप फोन होता है, उसमें एक सेटिंग होती है कि जो ऐप आप यूज़ नहीं कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली उसको डिस्कार्ड कर देता है, साइड पर डाल देता है, ताकि वो आपकी रैम को यूज़ ना करे। अगर आपके फ़ोन में वो ऑप्शन है तो हाई एंड फोन में यूजली होता है, बजट फोन में ये ऑप्शन नहीं होता, तो बजट वाले क्या करें, बजट वाले वो अपने आप को पता है कि हम कौन सी ऐप यूज़ करते हैं, जो नहीं कर रहे हैं उसको डिलीट मार दें, वेरी सिंपल। तो आप जाके वो ऐप को डिलीट कर दें बजट वाले, और जिनके पास फ्लैगशिप फोन हैं वो फीचर वो ऑन कर दें।
और आप कमेंट बॉक्स में लिखें अगर आपको ये चीजें नहीं पता है, आप जानना चाहते हैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बने कि कैसे कौन सी चीज करनी है, तो मैं वो भी कर दूंगा क्योंकि आई वॉन्ट टू शेयर माई इन्फॉर्मेशन ताकि आपका भला हो। तो वो कमेंट बॉक्स में आपको लिखना पड़ेगा, अगर कमेंट्स बहुत ज्यादा आएंगे तब मैं डेडिकेटेड उस पर वीडियो भी बना दूंगा। तो फिलहाल मैं आपको सिर्फ टिप्स दे रहा हूँ, सब कुछ सेटिंग्स के अंदर है, तो ये बस आपने फॉलो करना है, ढूंढना, सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। तो तीसरा मैंने जो ये पॉइंट आपको बताया ये है। चौथा पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब भी आप फोन यूज करते हैं, मतलब कोई ऐप यूज कर रहे हैं या सपोज इंटरनेट सर्व कर रहे हैं, कोई चीज सर्च कर रहे हैं, कहने का मतलब जब भी आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, कुछ सर्च कर रहे हैं या कोई व्हाट्सएप पे मतलब इंटरनेट यूज हो रहा है और चैटिंग कर रहे हैं, वाईफाई पे मतलब जो भी आप कर रहे हैं, कृपया अगर आपके फोन में, चाहे आईफोन आपके पास, आईफोन 11, आईफोन लेटेस्ट फोन भी आपके पास अगर है, तो स्टिल आप मल्टीटास्किंग अवॉइड करें अगर आप अपनी फोन की लाइफ बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि मल्टीटास्किंग में जितना मर्जी पावरफुल प्रोसेसर हो वो रैम यूटिलाइज करता है, और रैम जितनी मर्जी ज़्यादा हो, एट द एंड जब आप बहुत ज़्यादा अगर 50-60 ऐप आपने खोल के रखी हैं और फिर आप चैटिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दैट विल मतलब ख़त्म करेगी आपको फ़ोन को, आपका फ़ोन चाहे आईफोन भी क्यों नहीं है हैंग होगा। तो मल्टीटास्किंग अवॉइड करें। वो आपको, आप कहेंगे आप क्यों दी जाती है, वो इसलिए दी जाती है कि आपका फ़ोन स्मूथली चले। आपने एक ऐप, अगर आपका बहुत पावरफुल फ़ोन है, 3-4 ऐप आपने इकट्ठी रख ली, मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोई भी, जब आप ऐसा कोई इंटेंसिव जूम मीटिंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उसमें आप प्लीज़ उसको बंद कर दें बाकी ऐप्स को और फिर मीटिंग को स्टार्ट करें, मेरे हिसाब से। तो ये मेरी फाइनल चौथी टिप है। यही सब टिप्स हैं, अगर आप ये चीज़ें अपना लेंगे, और लास्ट टिप एक और देता जाता हूँ कि कभी भी, गौर कीजिए बात को, कभी भी अपनी फोटोज वीडियोस को इतना ना भर लें फ़ोन में। आजकल जैसे है विदाउट, जैसे आईफोन मोस्टली विदाउट कार्ड आते हैं, मेमोरी कार्ड, तो अगर आपके पास क्षमता है, तो अगर ऐसा फ़ोन ले रहे हैं जिसमें कार्ड नहीं है, तो ऑलवेज गो फॉर हायर मेमोरी। वैसे इसमें मैंने 256 GB का लिया हुआ है, तो इसमें मुझे इशू नहीं है, जितने मर्जी मैं इसमें फोटोज वीडियोस, पर मेरी एक लिमिट है कि 50-60 तक मैं उसको रखता हूँ, 40% खाली रहता है। तो वही रूल आपने अपनाना है, या तो आप कार्ड वाला फ़ोन लें जिसमें कार्ड डलता है, कार्ड अपनी अच्छे से सब डालें और उसमें भरें, उसमें भी 60% तक भरें, कार्ड भी अगर आप पूरा ठूस देंगे ना वो भी ख़राब हो जाता है, तो कार्ड लें, कार्ड में सब डालें, इससे भी आपके फ़ोन की रैम बचेगी। तो दीज आर द वेरी गुड टिप्स, अगर आप इनको फॉलो करेंगे मैं गारंटी देता हूँ आपका फ़ोन कभी भी हैंग नहीं होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें और इसको कमेंट करें, कुछ भी आपने, आपको समझ नहीं आया या कुछ और प्रॉब्लम है जिसमें आप चाहते हैं मैं आपका सोल्यूशन लाऊं, तो प्लीज़ अभी कमेंट बॉक्स में लिखें और ज़रूर शेयर करें ताकि ये क्रूशियल इन्फॉर्मेशन हर एक इंडियन तक पहुंचे, और अगर बाहर भी आप बैठे हैं तो बाहर भी जाए। थैंक यू वेरी मच, कीप रॉकिंग, थैंक यू।